वायरस के नाम सुने हैं तो घर जाने के लिए सुविधा रही है ना, रेंट ट्रेन जब सारा गाड़ी बंद हो चुका है तो कहाँ पे रहेगा, तो आपको निकलना नहीं चाहिए था तो लोग कहाँ पे रहेगा, हम लोग के घर द्वार है ही नहीं, फुटपाथ वाले। कोरोना वायरस के बारे में कब पता चला आपको? कोरोना वायरस के पता तो चला ये 20 तारीख को। 20 तारीख को पता चला। हाँ, 20 तारीख से अभी आज 24 तारीख है। 24 तारीख है। 4 दिन में क्या किया? 4 दिन में पुलिस डंडा मार रहे हैं गांड पे पूरे साले। रोड पे रहेंगे तो मारेंगे ही, रोड तो कहाँ रहे, घर हम लोग का किया हुआ ऐसा है तो हम लोग का घर रहेगा तब ना बॉस। लॉकडाउन में पूरा ये रेट बढ़ा हुआ है, हर सामान का रेट बढ़ा हुआ है, एकदम बढ़ा हुआ है, एकदम। जैसे किस चीज का रेट बढ़ा हुआ है? अभी कल 30 का ले रहे थे, आज 35 का आटा हो गया। आलू अभी 200 का पसेरी दे रहा है, लाल वाला, और एकदम। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इस मौके का फायदा दुकानदार लोग उठा रहे हैं? एकदम उठा रहे हैं, एकदम उठा रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा? एकदम सही बात है, जो चीज 30 रुपए केजी लेते थे आज के समय में 35 रुपए केजी लेना पड़ रहा है, ये बताइए, मनमानी हो चुका है भाई। लॉकडाउन है तो कुछ ना कुछ तो पहले से लेके रखना पड़े, हो सके कल के डेट में कर्फ्यू लग जाए, क्या हो जाए किसी को कौन पता, कल दुकान खुले या ना खुले, इसलिए पहले से अपना व्यवस्था लेके तो रखना पड़ेगा ना यहाँ पे। सही है, तो आपको लग रहा है कि लोग चीज़ों का दाम बढ़ा के बेच रहे हैं अभी मार्केट जी? एकदम भाई, बेच रहे बढ़ा के। हम इनसे बात करेंगे, ये एक फल बेचने वाले हैं, रोड पे किस तरह का नज़ारा दिख रहा है आमतौर पे, जैसे रोज आप बेचते थे उसमें और अभी में क्या फर्क दिखा आपको? हमको तो बहुत फर्क है, आदमी ही नहीं है रोड पर, तो बिकेगा कुछ? जब आपको पता है कि रोड पे आदमी नहीं है तो फिर आपको ठेला नहीं लगाना चाहिए था, जिस तरह का अभी हवा चला हुआ है, जिस तरह का वायरस चला हुआ है। तो मेरा माल बचा हुआ है तो हम इसको किसी तरह से चाह रहे हैं कि खत्म हो जाए, फिर हम अपने घर चल ले जाएंगे। कहीं ये खत्म होने के चक्कर में कहीं कुछ खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो फिर आपके? तो ऐसे भी अगर डेली कमाने वाले व्यक्ति हम जैसे घर में बैठ गए ऐसे भी भूखा मर जाएगा। एक आदमी मेरे सामने खत्म हुआ है, मेरे सामने का बात है। किस चीज से खत्म हुआ? भूख से खत्म हुआ है, प्यासा मर रहा था। क्या काम करते हो? मैं प्रिंटिंग प्रेस का। कहाँ करते थे? बल्लमगढ़। तो यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आया हूँ किसी के यहाँ पे, अब गाड़ी घोड़ा बंद है। हाँ। अब मैं परेशान हूँ 3 दिन से, अब खूब हाथ जोड़ घोड़ा और क्या नाम है डंडा लोग सबको मार रहा है। मेरे को तो परेशान हो, घर वाले को क्यों परेशान करना चाह रहे हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो उससे तुम्हारे पूरे घर को इफेक्ट हो सकता है, पता है ना, पूरे घर वाले को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बीमारी तुम दूसरे को क्यों बांटना चाह रहे हो? क्यों रोड पे घूम रहे हो जब पूरी तरह से लॉकडाउन किया हुआ है शहर, उसके बावजूद? भाई क्या बोलूं मैं, आप इतना देर से परेशान हूं, अभी मैं एक रोटी के लिए क्या नाम है होटल ढूंढ रहा हूं खूब देर से। कोई होटल नहीं है, तुमको पता है सारा को लॉकडाउन है। अब मैं कह रहा हूं मैं कैसे जाऊं, मेरे को लंबा सफर जाना है, कैसे जाऊं? कहां से हैं आप लोग? कहां से हैं? हम लोग तो पटना से हैं। पटना से।